दोस्तों ये है सुजुकी SS125, और आप सोच रहे होंगे कि मैं अंधेरे में क्यों शूट कर रहा हूँ, तो मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो इसका यहाँ पे जो स्पीडोमीटर असेंबली है, इसका मेन लाइट नहीं काम कर रहा है, और यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स के लिए जो लाइट होता है ये काम कर रहा है, लेफ्ट राइट दोनों। उसके बाद इसका लाइट्स के लिए ये इंडिकेट कर रहा है, सही है, बट इसका यहाँ पे जो मेन लाइट रहता है जिससे कि सारा नंबर्स, स्पीड, फिर फ्यूल गेज दिखता है, वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले शो नहीं हो पा रहा है। तो इसके स्पीडोमीटर असेंबली में कुछ भी शो नहीं हो पा रहा है, नाइट को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, लाइट इसका काम नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने इसके हेडलाइट को ओपन कर लिया है, और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे इसका ये बल्ब फ्यूज़ हो गया है, बट इसका बल्ब सही है, पार्किंग बल्ब। यहाँ से एक वायर जो रहता है यहाँ पे, चूहे ने इसे कट कर दिया। ये जो वायर आपको दिख रहा है ये यहाँ पे अटैच रहता है, इसे चूहे ने कट किया है, और इसी के वजह से ये काम नहीं कर रहा है ये बल्ब। तो मैं इसे हल्का सा अटैच करता हूँ, आपको दिखेगा ये। तो वायर को इंसर्ट करने के बाद, जस्ट मैंने हल्का सा इंसर्ट कर दिया है, अभी मैंने सोल्डरिंग नहीं किया है। तो ये देखिए आ रहा है, ये काम कर रहा है, ये अब आ गया है। और वही वायर अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये फिर से हट जाता है। तो वही वायर जो कट गया है उसी के कारण लाइट इसके अंदर नहीं जल पा रहा है। तो आइए इस स्पीडोमीटर को हम लोग ओपन करते हैं। तो इस स्पीडोमीटर असेंबली को बाहर निकालने के लिए मैंने इस केबल को पहले ही हटा लिया है। उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे है, दूसरा स्क्रू यहाँ पे है, और एक अंदर में एक स्क्रू है। ये तीन स्क्रू हम लोग ओपन कर लेंगे। एक आ गया, ये दो आ गया, ये देखिए ये आपका स्पीडोमीटर असेंबली बाहर आ रहा है। एक्चुअली इसका थर्ड लेग लगता है ब्रोकन है, और यहाँ पे इसका एक ब्रोकन लेग है। एक्चुअली इसे ओपन करने के बाद ही आपका स्पीडोमीटर असेंबली बाहर आता है, बट ये यहाँ पे टूटा हुआ है, तो ये इसलिए पहले ही बाहर आ गया है। तो इसे भी हमने हटा लिया है। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे ये जो सॉकेट रहता है, इस सॉकेट को हम लोग जस्ट ओपन कर लेंगे, ये कंप्लीट असेंबली इसका आ जाएगा बाहर। ये सॉकेट हमें ओपन कर लेना है, और ये सॉकेट जैसे ही हमने ओपन किया ये कंप्लीट असेंबली बाहर आ गया है। तो ये है हमारा मीटर असेंबली, और यहाँ पे जो सबसे पहला प्रॉब्लम था जिसके लिए हमने इसे ओपन किया है वो है इसका यहाँ पे ये जो वायर है, इससे हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सोल्डरिंग हम लोग कर सकते हैं। मैंने पहले सोचा था कि इसके बल्ब में प्रॉब्लम होगा, बट बल्ब सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम लोग इजीली सोल्डर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इसे हम लोग यहाँ पे सोल्डर कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट करके इसके वायर को इजीली हो जाएगा। यहाँ पे इसे सोल्डर करके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, फिर से ये काम करेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इसका ये वायर का इशू है, प्लस वायर एक जगह और कटा हुआ है, किसी ने पहले से रिपेयर किया होगा। यहाँ पे देखिए इसका टेप बाहर निकला हुआ है, प्लस इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसका एक लेग टूटा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसका ग्लास भी हेजी एंड ओल्ड है, और यहाँ से इसका ग्लास भी टूटा हुआ है, और ग्लास इसका पेल हो चुका है, कंप्लीटली येलो इस लुक आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर का कंडीशन देखता हूँ, क्योंकि ये वर्क भी नहीं कर पा रहा है। इसका जो स्पीडोमीटर तो वर्क कर रहा है, बट जो माइल मीटर है वो वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम लोग ओपन करके देखेंगे कि इसके मशीन का क्या कंडीशन है। और ये वर्क किया है 23,255, उसके बाद ये वर्क करना बंद कर दिया है। तो इसके
मशीन को हम लोग ओपन करके देखेंगे कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे दो स्क्रू है ये ओपन करेंगे, और यहाँ पे तीन स्क्रू है वो हम लोग ओपन करेंगे। और जैसे ही हम लोग ने इसके स्क्रू को ओपन किया, ये कंप्लीट जो मशीन वाला पोर्शन है ये बाहर आ गया, और इस केसिंग को हम लोग साइड में रख देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा वाटर लीकेज है और डस्ट आया हुआ है अंदर में। यही प्रॉब्लम होता है जब भी वाटर लीकेज होता है, तो ये जो मशीन है इसका ये डैमेज हो जाता है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप इसके मशीन को देखेंगे तो इसका ये जो गियर है ये डैमेज है, इसके कारण ये जो इसका माइल मीटर है वो काम नहीं कर रहा है, ये डैमेज है। और इसमें से जो डैम्पिंग फ्लूइड होता है, जो ऑयल होता है, वो भी लीकेज है। ये देख सकते हैं इसमें लीकेज हो रहा है ये। और यहाँ पे बहुत सा रस्टिंग है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे रस्टिंग है, इसके अंदर वाटर गया है इसलिए रस्टिंग हुआ है। और ये भी जाम चल रहा है, और अगर ये जाम चलेगा तो आपका जो स्पीड है वो करेक्ट शो नहीं करेगा। तो इसका ये जो मैसिंग है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। और यहाँ जो फ्यूल इंडिकेटर वाला जो मैसिंग है वो सही सलामत काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कंप्लीट असेंबली ये जो देख रहे हैं ये अराउंड 550 रुपीज़ का आता है। आप ये भी लगा सकते हैं ख़रीद करके, जस्ट सिंपली जैसे मैंने ओपन किया एग्जैक्टली 5 स्क्रू को ओपन करके आप इस तरह से ये लगा सकते हैं, ये कंप्लीट असेंबली आता है। बट मेरे इस केस में जो मैसिंग है ये भी डैमेज्ड है, फ्यूल इंडिकेटर सही है बट वो इंडिविजुअल नहीं आता है, सेट में ही आता है। उसके बाद इसका ग्लास भी डैमेज है, इसका ये जो केसिंग है वो भी डैमेज है, और इसका वायरिंग भी डैमेज है। तो सारा कंपोनेंट इसका डैमेज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका कंप्लीट जो असेंबली है वो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ये 990 रुपीज़ का है जो न्यू मॉडल वाला है। इसमें दो मॉडल आता था, एक ये ब्लैक है और एक येलो टाइप का आता था, ये येलो टाइप वाला है, बेटर है इससे, तो मैं ये वाला लिया हूँ। जो ओल्ड वाला मॉडल है वो 700 समथिंग का आता है, ये 990 का है, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, कंप्लीट असेंबली में रिप्लेस कर रहा हूँ। ये है इसका न्यू असेंबली। ये न्यू मॉडल है, और यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला है ये ओल्ड मॉडल है, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो ये मैं कंप्लीट असेंबली रिप्लेस कर रहा हूँ। ये मिंडा का है, तो मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया है जैसे मैंने ओपन किया था इसे, एग्जैक्टली उसी तरह मैंने न्यू पीस को इंस्टॉल कर दिया। बहुत सिंपल था, जैसा मैंने आपको बताया बहुत सिंपली ये इंस्टॉल हो गया, बहुत अच्छे से इंस्टॉल हो गया। अब इसे हम लोग चेक करके देखेंगे कि कैसा ये वर्क कर रहा है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये आ गया, फ्यूल मीटर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये अच्छे से इंस्टॉल्ड हो गया है। तो मेरे केस में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था तो मैंने कंप्लीट असेंबली को रिप्लेस कर दिया। अगर आपके केस में अगर सिर्फ इसका मशीन ख़राब है तो आपका काम आधे पैसे में हो जाएगा। इसका मशीन अलग से आता है, आप 550 ऐसा कुछ है इसका प्राइस, उसमें लेकर के अंदर का जो मशीन है उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये कम्प्लीटली अच्छा हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके भी स्पीडोमीटर असेंबली में अगर इस तरह का कोई फॉल्ट आता है तो आप सारा पॉइंट को समझ गए होंगे कि कहाँ पे क्या फॉल्ट आता है, आप खुद से बहुत इजीली इसे रिपेयर कर सकेंगे। और एक बात जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस असेंबली को आपको वाटर से प्रोटेक्ट करना है। अगर इसका जो ग्लास है कभी टूटा है, या अगर आप कभी इसे क्लीन भी करते हैं इस तरह से ओपन करके, तो आपको बहुत ही सेफली इसे क्लीन करना है और वाटर से आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एक बार इसके अंदर वाटर गया तो कुछ ना कुछ स्पॉइल करेगा ही वो। और मेरे केस में आपने देखा कि इसका जो मशीन था कंप्लीट उसमें रस्टिंग हुआ है और उसे स्पॉइल कर दिया है, तो वाटर से आपको बचाना है। और दूसरा है रैट, तो उसके बारे में कुछ कहने के लिए बचता नहीं है, वो तो अपना काम करके ही जाता है।
तो यही सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिपेयर रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक अच्छे रिपेयर रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ, ताकि आप किसी मैकेनिक पे, किसी वर्कशॉप पे, किसी सर्विस सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं रहें, खुद से आप कोई भी रिपेयर वर्क कर सकें अपने मोटरसाइकिल का, कार का, होम अप्लाइंसेस का और भी बहुत कुछ। और जाने के पहले वो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सबसे पहले देख सकें। और ये जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जो भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट, कोई खर्चा आपको लगने वाला नहीं है। देखिए और ख़ुद से रिपेयर कीजिए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।